नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बदहाली के आंसू रो रहे भोपाल के कब्रिस्तानों को संवारने के लिए राजधानी के युवाओं ने बीड़ा उठाया। शहर के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त कर मिट्टी की कमी को दूर करने शहर के युवा जुटे हुए हैं। बड़ा बाग सहित अन्य कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त करने युवाओं द्वारा चलाई गई मुहिम अब रंग ला रही है। युवाओं ने बीते दिनों कलेक्टर अविनाश लवानिया और वक्फ बोर्ड के सीईओ को ज्ञापन सौंपकर कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगाई। समाजसेवी फैज खान, मदीहा खान, सिकंदर खान ने बताया कि कब्रिस्तानों में हो रही मिट्टी की कमी को देखते हुए एक तगाड़ी मिट्टी की मुहिम भी वह चला रहे हैं। युवाओं का मानना है कि मुहिम से जुड़कर कोई भी अपनी तरफ से एक तगाड़ी मिट्टी दान करता है तो मिट्टी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उनकी इस मुहिम से अब छात्राएं भी जुड़ने लगी हैं। शहर के एक लॉ स्टूडेंट ने अपनी दो अन्य साथियों को जन सहयोग से दो ट्रॉली मिट्टी बड़ा बाग कब्रिस्तान में डलवाकर समाज सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया है। दरअसल शहर के कब्रिस्तानों में बढ़ते अतिक्रमण और पक्की कब्रों को बनाने की वजह से कब्रिस्तानों में मुस्लिम समुदाय को शव दफन करने के लिए जगह मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। बड़ा बाग सहित शहर के कुछ कब्रिस्तानों का यही हाल है। अतिक्रमण की वजह से कब्रिस्तानों का आकार कम होता जा रहा है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, मिट्टी की कमी तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, जिसके लिए हम लोगों ने एक तगाड़ी मिट्टी की मुहिम भी शुरू की है, जिसके हर फर्द अपने घर से एक तगाड़ी मिट्टी लेकर आता है, तो कम से कम यहाँ जो कब्रिस्तानों में जो मिट्टी की कमी है वो ख़त्म होगी। और आप देख रहे हो कि मिट्टी काफ़ी कमी है। और अभी एक कल ही मतलब स्टूडेंट इसमें आगे आ रहे हैं, कल एक स्टूडेंट आई थी जिन्होंने अपने तरफ से अपने पैसों से यहाँ मिट्टी की दो ट्रॉली मिट्टी दलवाई है। और ऐसे ही कुछ समाज सेवी भी इसमें आए हैं आगे, जिन्होंने पहले भी मिट्टी दलवाई है, जिसमें एक शावर के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है कि हम ही लोग हैं, और अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, अगर हमने पहले से ही लोग अगर जागरूक होते हैं तो मेरे ख्याल से ये नौबत ना आती। अगर हम जो कब्रिस्तानों पर जो कब्जा हुआ है हम ही लोगों ने किया हुआ है, हम ही लोगों ने दुकानें बनाई हैं, हम ही लोगों ने मकान बनाए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, पार्किंग बनाई हुई है। तो ये जो मुहिम है ये यही है कि जो आम लोग हैं वो लोग जुड़ें, और हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स का, पत्रकारों का, समाज सेवियों का, जो नेता हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। आम लोग ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में महिलाएं भी जुड़ गई हैं, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, जबकि कब्रिस्तान से उन्हें इतना मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि महिलाएं हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।